मेरे प्यार दोस्तों नमस्कार, मैं दिलीप स्नैक सेवर आज फिर अपने चैनल में मैं आपको स्वागत करता हूं। तो देखिए, सोनारू मोहल्ला में ही स्कूल का पीछे एक नया मकान बना रहे हैं जो कि इनका मकान है। आप बताएंगे कौन साफ है, क्या है, कैसे देखें, क्या किए बताएंगे। चलिए आप बताइए भाई। हमको तो आसमानी सांप लगा, आसमान से गिरा हुआ सांप। तो दिलीप जी को संपर्क किए, संपर्क करके इनको बुलाए हैं। ईटा के बीच में था, अब देखिए आगे कौन सा सांप है भाई। तो देखिए मेरे प्यार दोस्तों, इन्होंने कह रहे हैं कि आसमान से जो सांप गिरता है वही सांप है। तो चलिए नज़र बना के रखिए, देखते हैं कौन सांप है, क्या है। तो आप भी नज़र बना के रखिए। तो आइए चलिए देखते हैं किधर सांप है। बोला तो नीचे उतना दूर रहेगा। तो देखिए मेरे प्यार दोस्तों, यही है आसमान से गिरने वाला सांप। और लोगों का कहना है कि जब ये सांप आसमान से गिरता है तो काट लेने के बाद आदमी का बचना मुश्किल है। लेकिन मेरे प्यार दोस्तों, मैं बता दूं कि देखिए नन भैनम्स है, इसमें जहर तो बिल्कुल नहीं है। और ये सांप जो है, जैसे सर बताएं कि हमको लगा कि आसमान से गिरने वाला सांप है, क्या सर? तो सर बता रहे कि आसमान से गिरने वाला सांप है, लेकिन आप लोग इसे गौर से देखिए और पहचानिए, ये सांप आसमान से नहीं गिरता है। देखिए पहचानिए इसको, ये सांप आसमान से भी नहीं गिरता और इसमें जड़ भी नहीं होता है। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि जब भी कोई भी सांप देखिए तो कृपया कर करके जब भी देखिए तो कॉल एक बार जरूर कीजिए और सांप को पहचानिए और हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, ताकि मैं आपको सही सलाह बताऊँ और आपको जानकारी मिले। तो मैं यही जानकारी देना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी सांप देखिए तो डरिए नहीं, हदियाइए नहीं। और अगर जहरीला सांप जब भी बाइट करे तो कृपया करके आप सदर हॉस्पिटल का ही सहारा लें, और ये नहीं कि इसको मार दें। मारिएगा तो हम ही लोग का क्षति है, काहे कि पर्यावरण का एक सुरक्षा ही कवच है। इसको बचाइए, मारिए नहीं, इसे बचाइए। तो चलिए मैं अभी इसे बंद करता हूँ। कौन सा सांप है, इसके बारे में जानकारी दीजिए ज़रा। ये हरहरा सांप है। अच्छा, ये जो छीट छीट काला काला जो है, हाँ, इसी को देख के लग रहा था कि वो आसमान से गिरा हुआ है। अच्छा ठीक है, यही बादाम कलर का ही दिख रहा है। हाँ हाँ, तो देखिए सर को लग रहा है कि जो बादाम कलर का दिख रहा है छिट्टा जो है, तो इसलिए सर को लगा कि ये आसमान से गिरने वाला ही सांप है। बहुत से लोग कहते हैं, खाली सिर्फ सर नहीं कहते हैं, छोटका को मैं यही कहता हूँ कि आसमान से सांप नहीं गिरता। देखिए मेरा सर सांप देखते हैं, लेकिन फिर भी कोई तरह का कोई डर नहीं है। मतलब इसमें जहर वहर कुछ नहीं है। देखिए देखिए और कैसे दिखाएं। हाँ ठीक, मुंह पे पीला पन इसका, हाँ, इसका यही है कि जो देख रहे हैं ना सेम यही रहता है। और ये सांप जो है कि आसमान से नहीं गिरता है, ये मैंने जहरीला जो कीटाणु होता है वो जहरीला कीटाणु को खाता है। तो अगर जो जहरीला कीटाणु को हम लोग नहीं मार सकते हैं या तो दवाई से भी नहीं मारता है, उसको ही खाता है। तो देखिए मेरे लिए कितना फायदेमंद है। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि जब भी कोई भी सांप देखिए तो मारिए नहीं, उसे बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद वो डब्बा वकील, और नज़र बना के रखिए। मैं अभी इसे बंद करता हूँ, उसके बाद फिर जरूरी कुछ बातें हैं जो बताऊँगा। बना हुआ गेट के सामने 10 सांप कम से कम। तो क्या करें इसके बारे में? ये एक बार हम देखे थे अपने पुराने वाले मकान में, मेरे मेन गेट के बाहर ये जो सांप है 10-12 के संख्या में इसे झुंड बना के था। तो ये झुंड में रहता है कि अकेले रहता है? तो सर का कहना है कि सांप झुंड में रहता है। हकीकत बात है कि झुंड में रहता है, लेकिन झुंड में चलता नहीं है। एक बार दिख गया फिर अपने आप ही अलग हो जाता है, चारा के लिए अलग होता है और साथ में चलता तो झुंड बना के चलता है। नहीं, कहा कि इसको हम पुराने घर पर देखे थे, एक ही साथ में कम से कम 10-12 सांप। ये सांप ऐसा है कि अगर आप इसको मार दीजिएगा, एक जरूरी बात आप जान लीजिए, चाहे आपका पूजा स्थान हो या तो तुलसी जी का स्थान हो, जैसे तुलसी चौड़ा जो लोग बोलते हैं, अगर उसमें से निकले या तो पूजा का स्थान से निकले तो भूल करके बिना मारिएगा। अगर एक मारिएगा तो ये हजारों निकल सकता है। हाँ। इसमें ऐसा खूबी है, काहे कि कुदरत का दिन है। ये सांप को कभी नहीं मारना चाहिए, ये साक्षात ईश्वर का ही दिया हुआ सांप है। ईश्वर के तो सबको ही देते हैं, ईश्वर एक बार भी अभी तक बाइट नहीं किया है। लेकिन ये सांप जो है बहुत प्यारा और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है।
तो इसलिए ये सांप को कभी ना मारिएगा। लाया देखिए चालू है। देखिए मेरे प्यार दोस्तों, ये हमारे वो साहब हैं जो कि कितना प्यारा सांप है। देखिए ये सांप से कभी नहीं डरिएगा और ना कभी हरियाइएगा, सिर्फ हमसे कांटेक्ट कर करके सलाह जरूर लीजिएगा। और आप लोग अगर सांप ना पहचानिएगा तो ऐसा भूल भी नहीं कीजिएगा, अन्यथा तो हादसा भी हो सकता है। तो इसलिए हमें देख करके आप डुप्लीकेट ना कीजिएगा। अब मैं सांप को बंद करता हूँ, तो चलिए नेट बना कर रखिए। देखिए चला गया। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इनके होते हुए बहुत जीव का जान बचता है, हम लोगों को भी बहुत सारा जानकारी मिलता है। तो ये भैया जी को ऐसे ऐसे बेजुबान को बचाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, और आप लोग के भी धन्यवाद करता हूँ जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो हमें कमेंट करते हैं, जो हमें लाइक करते हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं यही आपसे कहता हूँ कि जब भी कोई भी जहरीला सांप काटे तो कृपया करके आप झाड़ और फूंक के चक्कर में ना पड़े, अन्यथा मौत निश्चित है। इसका एक ही इलाज है जो कि इसका एंटीवाइनम होता है, उसी से ही आपको जान बचेगा। अगर सांप वाइट किया और चल जाइएगा तो अगर ऐसा सांप काटेगा तो बच जाइएगा, लेकिन अगर जहरीला सांप काटेगा तो आपको बचना मुश्किल है। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में सलाह देता हूँ कि जब भी कोई भी सांप काटे तो कृपया करके झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े। आपका डिस्ट्रिक्ट का जो भी सिविल स्कूल पड़ता है वहाँ आप जाइए, और जाइए और वहाँ से आप प्रेम पूर्वक बच करके आप घर आइएगा तो मेरा हौसला बढ़ेगा। इसलिए मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से मैं ऐसा बताता हूँ कि आपका जान का क्षति ना हो। और मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, अगला वीडियो लेकर फिर पसंद होगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।